हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वाड़के आज फिर आपके सामने मैथ का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल के वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें चौथे नंबर जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसके 2 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, उसी का 3रा नंबर क्वेश्चन क्या है उसी को देखते हैं। क्वेश्चन वही है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन क्या है एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी का निर्माण करते हैं। फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 more terms, तो क्या बोल रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस डी लिखाना है, उसके आगे का 3 term को लिखाना। सवाल हमारा दे रहा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो भली बात हम लोग परिचित है, जो फर्स्ट टाइम उसको A1 से नोट करते हैं, जो मेरा क्या है -1.2। उसी तरह A2 देख रहे हैं मेरा क्या है -3.2। उसी तरह A3 देख रहे हैं क्या है मेरा -5.2 है, और A4 देख रहे हैं जो क्या है मेरा -7.2 है। और हम लोग भली बात ही जानते हैं किसी भी चीज को पता लगाना वो एपी में है, तो उसके लिए हम लोग कम से कम 2 वर्ड टी का वैल्यू लेते हैं, और दोनों वर्ड 2 अलग अलग कंजुगेटिव टर्म को लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली अगर हम लोग डी का मान निकाल रहे हैं तो उसको D1 से डिनोट करते हैं। पहली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, A2 को A1 से सबस्ट्रैक्ट करते हैं। तो A2 का मान देखने क्या है -3.2 है, ये माइनस का माइनस है, और A1 का वैल्यू देखने क्या है -1.2 है। हम कल ही बोले थे जब कोई भी संख्या माइनस में हो तो कोशिश करेंगे उसे ब्रैकेट में ले, ताकि जब दो दो साइन जब टकराए तो वहां किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो -3.2 तो क्या होगा, -3.2 ही होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2, और दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 में से 1.2 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। और कल ही हम लोग पढ़े थे और परसों का वीडियो में भी देखे थे कि जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो जो बड़ा वैल्यू हो उसके आगे जो साइन होता है उसे हम लोग लेते हैं। तो बड़ा वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है 3.2 है, इसके आगे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मेरा D1 का वैल्यू क्या आ रहा है -2। फिर से हम लोग क्या करेंगे D2 निकालेंगे, और D2 निकालेंगे तो D2 के लिए क्या करेंगे A3 - A2 कर लेते हैं। A3 का वैल्यू मेरा क्या दे रहा है -5.2, माइनस का माइनस, अब क्या करना है A2 का देख रहे क्या दे रहा है -3.2। तो ये क्या मेरा -5.2, माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा 3.2, प्लस माइनस माइनस, तो 5.2 में से 3.2 जाएगा तो क्या होगा 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ देख रहे हैं मेरा D1 का जो वैल्यू है वो क्या है बराबर है किसका D2 का। जब दो लगातार पदों का अंतर समान आता तो वो क्या होता है एपी में होता है। Therefore, these are in AP. और क्वेश्चन में बोला था जब वो एपी का निर्माण करेंगे तो हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो मेरा कितना है -2 है। उसके बाद क्या बोला था, इसके आगे का 3 term निकालना है। तो चूंकि मेरा कहां तक देना था A4 तक, तो आगे का टर्म हमें क्या चाहिए A5 चाहिए, फिर क्या चाहिए A6 चाहिए, और क्या चाहिए A7 चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं A5 निकालते हैं, और A5 निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके पहले आने वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। इससे पहले क्या आएगा A4, और कॉमन डिफरेंस क्या है D। A4 देख रहे हैं मेरा क्या है -7.2 है, और इसमें कितना जोड़ना है D को, तो D का वैल्यू कितना है -2। तो -7.2 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा -9.2। तो A5 का वैल्यू कितना है -9.2। अब क्या निकालना A6, तो A6 के लिए फिर इससे पहले वाले टर्म जो क्या है A5, उसमें क्या जोड़ेंगे D। तो इससे पहले A5 हमारा कितना आया -9.2, और प्लस D का वैल्यू क्या है -2। तो -9.2 प्लस माइनस -2, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होता है माइनस का, 9 तो क्या होगा 11.2। यहां देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है -11.2। अब क्या निकालना है A7 क्या होगा A6 + D, और A6 का वैल्यू क्या है -11.2, और D का वैल्यू क्या था -2। तो -11.2 में हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस 2, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13.2, और साइन किसका होगा माइनस का। तो A7 का वैल्यू मेरा कितना आया, A7 का वैल्यू आया -13.2। तो यहां देख रहे हैं आगे का हमारा क्या हुआ नेक्स्ट 3 term हमें प्राप्त हो गया। अब इसका अगला सवाल को हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो आइए देखते हैं चौथा सवाल है। चौथा सवाल दे रहा है क्या दे रहा है, माइनस 10, यानी A1 का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 10, A2 का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 6, A3 का वैल्यू क्या दे रहा है माइनस 2, A4 का वैल्यू क्या दे रहा है। अब चूंकि हमें क्या करना है, चूंकि बताना ये क्या है AP में है नहीं, तो दो बार क्या करेंगे D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस 6 और A1 का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 10, तो माइनस 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10, और प्लस माइनस माइनस तो 6 में से 10 जाएगा तो 4 होगा, चूंकि बड़ा ये है तो क्या होगा प्लस का साइन। फिर से हम लोग क्या करते हैं D निकालते हैं, तो इस पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, A4 माइनस A3 ले लेते हैं, तो A4 मेरा कितना है 2 और A3 कितना है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस और 2 क्या होगा 4। तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, D1 इक्वल टू क्या है G2 है, इसलिए क्या होगा ये AP में होगा, और जब AP में होगा तो क्वेश्चन के आधार पे क्या करना था मुझे D का वैल्यू निकालना था, और D का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कितना है मेरा 4, और जब D निकाल लेंगे तो आगे का 3 टर्न, तो ये टर्न मेरा कितना A4 तक, तो पहले क्या निकालेंगे A5, फिर क्या निकालना होगा A6 और फिर क्या निकालना होगा A7, तो पहले देखते हैं A5, तो A5 निकालने के लिए इससे पहले वाले टर्म में क्या जोड़ेंगे D, तो इससे पहले वाले टर्म A4, ये क्या है D, A4 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं कितना दे रहा है 2, और D का वैल्यू कितना 4, और 2 4 कितना होता है 6, अब क्या निकालना है A6, A6 मतलब A5 में क्या जोड़ेंगे D, A5 का वैल्यू कितना है 6 और D का वैल्यू 4, और 6 4 क्या होता है 10, अब क्या निकालना A7, A7 मतलब इससे पहले का टर्म में D जोड़ना, तो पहले का टर्म A6 है और A6 का वैल्यू हम लोग अभी निकाल लेते हैं 10 और D का वैल्यू कितना 4 और 10 4 कितना होता है 14, तो देख रहे हैं A5 का वैल्यू कितना है 6, A6 का वैल्यू कितना है 10 और A4 का वैल्यू कितना है 14। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दे रहे हैं 3.3+√2, 3+2√2, 3+3√2। ये सवाल हम लोग परसों का वीडियो में देख चुके थे, तो उसे वहां देख लेना, फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए आगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तो उसके बाद का जो सवाल है वो देखने जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं A1 का वैल्यू कितना दे रहा है 0.2, A2 का वैल्यू कितना दे रहा है 0.22, A3 का वैल्यू कितना दे रहा है 0.222 और A4 का वैल्यू क्या दे रहा है 0.2222। तो हमें देखना है AP में है नहीं, तो दो बार D निकालते हैं, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू क्या है मेरा 0.22 और इसका वैल्यू क्या है 0.2, क्योंकि यहाँ डिसिमल के बाद दो संख्या है तो इसे बराबर करने के लिए आगे 0 बैठा देते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा क्या होगा 2 और 2 में से 2 जाएगा क्या होगा 0 और 0 में से 0 जाएगा ये। फिर से हम लोग क्या करते हैं D2 निकालते हैं, तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू क्या है 0.222 और A2 का वैल्यू क्या है 0.22 है। अब इसे फिर से घटाने के लिए चूंकि यहाँ 3 संख्या तो 1 0 बैठा देते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा क्या होगा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ क्या है 0। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है कि यहाँ डिसिमल के बाद 2 0, यहाँ डिसिमल के बाद 3 0 और डिसिमल के बाद जब 0 में भी अंतर हो, संख्या समान तो फिर वैल्यू क्या होता है समान नहीं होता, इसलिए क्या देख रहे हैं D1 जो है क्या D2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर में नहीं तो क्या होगा AP में होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे दिस आर नॉट इन AP, और जब AP में नहीं है तो नहीं है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना और नहीं आगे का 3 टर्न निकालना। अब इसका अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल हमारा ये दे रहे हैं जिसमें हम A1 देखें तो क्या है मेरा 0, A2 क्या है मेरा माइनस 4, A3 क्या है मेरा माइनस 8 और A4 क्या देख रहे हैं मेरा माइनस 12 है, तो D1 निकालते तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरा माइनस 4 और A1 क्या है 0। हम भली भली जानते हैं किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा उतना ही होगा जिसको घटा रहा है, तो घटा रहा है किसको माइनस 4। अब D2 निकालते हैं और जब D2 निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है माइनस 8 और A2 का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 ज्यादा 4 बड़ा कौन है 8, इसलिए क्या होगा माइनस होगा। तो यहां देख रहे हैं D1 का वैल्यू क्या है बराबर है किसका D2 का,
और जब दोनों वैल्यू इन रेड मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आ रहा तो वो क्या होगा एपी होगा। और हम लोग पहले से जानते हैं जब कोई चीज एपी में होता तो हम लोग क्या करना होता है उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना होता है और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ उसका आगे का तीन टर्म निकालना होता है। तो आगे का जो तीन टर्म है उसे हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं कितना -4। अब क्या निकालना हमें आगे का टर्म, तो दिया हुआ था A4 तक तो क्या निकालेंगे A5, फिर क्या निकालना होगा A6 और फिर क्या निकालना होगा A7। तो पहले A5 निकालते हैं, तो पहले टर्म में से क्या जोड़ेंगे D, तो इसके पहले का टर्म मेरा A4 क्या दे रहा है -12 दे रहा है। और क्या जोड़ना है D, D का वैल्यू कितना -6, तो -12 प्लस माइनस -4 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होता है माइनस, तो A5 क्या है मेरा -16। अब निकालते हैं A6, तो A6 क्या होगा मेरा A5 प्लस डी, A5 का वैल्यू देख लेते हैं कितना, A5 का वैल्यू आया था -16 और D का वैल्यू -4, तो -16 प्लस माइनस -4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -20, तो इसका वैल्यू कितना है -20। अब क्या निकालेंगे A7, तो A7 क्या होगा A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू कितना मेरा -20 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना -4, तो -20 प्लस माइनस -4 दोनों को क्या करना होगा जोड़ना होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -4। देख रहे हैं मेरा आगे का तीन टर्म निकल गया। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें क्या है टर्म दे रहा है, तो जो दे रहा है उसको लिख देते हैं। देख रहे हैं चारों टर्म क्या है सेम और सबके साथ क्या लगा हुआ -1/2, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D1, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा -1/2 और माइनस क्या है A1 भी क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, मतलब पहले जाने से कोई भी दो संख्या क्या हो समान हो और दोनों का साइन क्या हो, डेट मीन एक का साइन प्लस हो दूसरे का माइनस हो, उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 क्या होगा मेरा A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू क्या है -1/2 और A1 का वैल्यू भी क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ भी देख रहे हैं एक प्लस में और एक माइनस में और वैल्यू क्या है समान है। तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं हियर D1 जो है क्या है D2 के बराबर है, जब दोनों बराबर है तो क्या होगा दीज आर इन AP होगा, और जब AP में होगा तो क्या बोला था, और जब AP में होगा तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा जो क्या है D, और D का वैल्यू हम लोग अभी निकाल लेंगे कितना है 0। तो हम लोग आगे का तीन टर्म निकालना, तो A5 निकालते हैं, A5 मतलब पहले के टर्म में D जोड़ना था, इससे पहले क्या था A4, A4 का वैल्यू दे रहा है -1/2, इसमें क्या जोड़ना है 0 और -1/2 में जब 0 देंगे तो कितना होगा -1/2 ही होगा। अब क्या निकालेंगे A6 मतलब क्या करना है, इससे पहले A5 में D जोड़ना, तो इसका वैल्यू कितना -1/2 और D का वैल्यू 0, और जब 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसको जोड़ रहे, फिर क्या निकालना A7, तो A7 का वैल्यू मेरा क्या होगा A6 प्लस D और A6 का वैल्यू क्या है -1/2 प्लस क्या जोड़ना है 0, क्योंकि D का वैल्यू 0 और ये क्या होगा -1/2, तो देख रहे हैं यहाँ पे A5 कितना है मेरा -1/2, A6 कितना है मेरा -1/2, A7 कितना है मेरा -1/2, तो आगे का तीन टर्म क्या होगा यही, इसके आगे का भी तीन टर्म पूछेगा या चौथा टर्म आठवां टर्म दसवां टर्म वो क्या होगा -1/2 ही होगा क्योंकि सबका में D का वैल्यू क्या है 0 है। इसका अगला सवाल 8 नंबर देखते हैं, तो 8 नंबर सवाल हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या दे रहा है 1, 3, 9, 27, तो देख रहे हैं A1 क्या है मेरा 1, A2 क्या है मेरा 3, A3 क्या है मेरा 9 और A4 क्या है मेरा 27। हम लोग D1 निकालते हैं, तो D1 क्या होगा मेरा A2 माइनस A1 होगा और A2 का वैल्यू कितना है 3 और A1 का वैल्यू 1, 3 में से 1 जाएगा क्या होगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे D2 निकालेंगे, तो D2 का वैल्यू के लिए A3 में से क्या करते हैं A2 घटाते हैं, A3 क्या है 9 और A2 क्या है 3, दोनों घटाएं क्या होगा 6, तो यहाँ देख रहे हैं D1 का वैल्यू क्या है 2 और T2 का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ देख रहे हैं D1 का जो वैल्यू है क्या है बराबर नहीं है किसका D2 का, और जब बराबर नहीं है तो क्या होगा दीज आर नॉट इन AP
और जब एपी में नहीं है तो ना ही क्या करना, कॉमन डिफेंस निकालना और नहीं आगे का तीन टर्म निकालना। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चौथा दसवां सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चार का, जिसमें a1 a 2 a 3 a 4 है। तो a1 a होगा, a2 क्या होगा 2a होगा, a3 3 होगा, a4 क्या होगा 4a होगा। हम लोग यहाँ क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, तो पहले d1 निकालते हैं, क्या होगा a2 - a1। a2 क्या है मेरा 2a, a1 क्या a है, 2a में से a जाएगा तो क्या होगा a, यानी दो a है हमारे पास, उसमें से एक a चला जाएगा तो क्या बचेगा 1a। और उसने बता दे कोई भी एबीसीडी का कोई भी लेटर हो या रूट में कोई संख्या हो तो उसके साथ वन नहीं लिखा जाता, उसके अलावा 2, 3, 4 कुछ भी हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब निकालते हैं तो a4 - a3 करते हैं, तो a4 क्या है मेरा 4a और a3 क्या है मेरा 3a, तो 4a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा a। तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, d1 क्या है d2 क्या है बराबर है, और जब d1 d2 के बराबर हो तो डीज आदि में क्या होगा ap होगा। एपी में होगा क्योंकि इसका दो लगातार टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। अब जब एपी में है तो क्या करना है डी निकालना, और डी का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, निकाल चुके हैं जो कितना है एक। अब क्या निकालना है a5, तो a5 क्या होगा इससे पहले का टर्म में डी जोड़ना, इससे पहले 4a था और एक डी का वैल्यू a था, 4a में से a जोड़ेंगे तो क्या होगा 5a। अब क्या निकालना a6, तो a5 + d, a5 का वैल्यू कितना 5a और इसका वैल्यू d का a, 5a और a क्या होगा 6a। अब निकालते हैं a7, तो क्या होगा a6 + d, a6 का वैल्यू 6a और d का वैल्यू a, तो मिलके क्या हो जाएगा 7a। तो यहां देखना a5 कितना आया 5a, a6 कितना आया 6a और a7 कितना आया 7a। तो देखते हैं सवाल क्या है, बहुत ही आसान। तो इसका अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल है जो बोर्ड पे आपका यहाँ लिखा हुआ, इसमें देख रहे थे क्या था मल्टीप्लाई में था, इसमें क्या था पावर के रूप में। a1 देख रहे क्या है a, a2 क्या दे रहे हैं a² a3 क्या दे रहे हैं a³ और a4 क्या दे रहे हैं a⁴। यहाँ एक चीज समझते हैं, किसी भी संख्या को उसी चीज से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो दो संख्या रहता है तो वही हो जाता है जिस संख्या सेम हो, और जितना बड़ी संख्या होता है उसका उतना पावर रहता है। तो चूंकि a को दो बार गुना करें तो a ही होगा, चूंकि दो बार है तो पावर क्या हो जाएगा 2। इसी संख्या हम लोग तीन बार गुना करेंगे तो संख्या तो a ही होगा, चूंकि ये तीन बार है तो पावर क्या होगा 3। यदि इसी को हम लोग क्या करेंगे 10 बार गुना करेंगे, तो चूंकि a तो a ही है 10 बार गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा a⁻¹० हो जाएगा। तो इतना ही हमें समझना है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है d1 निकालना है, तो d1 क्या होगा a₂ - a₁, a₂ का वैल्यू क्या है मेरा a² और माइनस क्या a। देख रहे हैं इसमें क्या a दो बार है, इसमें क्या a एक बार, तो दोनों में से a को कॉमन ले सकते हैं, तो दो में से एक a आ जाएगा तो क्या बच जाएगा a, और यहाँ एक a था वही बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। अब क्या करते हैं d2 निकालते हैं, a₃ - a₂, a₃ कितना मेरा a³ और a²² यहाँ देख रहे हैं क्या तुम्हें छोटी संख्या, कोशिश करेंगे ऐसे सवाल में जिसका पावर सबसे कम हो उसको कॉमन लेते, तो दोनों में पावर a²² है इसको कॉमन लेते, तो तीन में से दो बाहर निकले तो क्या बचेगा a, और यहाँ दो था दोनों बाहर निकले तो क्या बच जाएगा 1। यहाँ देख रहे हैं a·a - 1, यहाँ देख रहे हैं a²·a - 1 है, तो चूंकि यहाँ a क्या है ज्यादा है मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों का वैल्यू समान होगा नहीं हो, लेकिन यहाँ भी a रहता, a-1 रहता तो ये बराबर हो सकता था। यहाँ देखने चाहिए क्या है d₁ ≠ d₂, therefore these are not in AP। अब इसका आगे सवाल देखते हैं, चार सवाल और हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, जो 12 नंबर सवाल है, जो क्वेश्चन दे रहा है √2, फिर दे रहा है √8, फिर √18, फिर √32। जब भी इस तरह का सवाल हो तो पहले रूट को तोड़ना जरूरी होता है, रूट को तोड़ने के लिए हम जानते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो √2 है तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, a₁ का वैल्यू क्या है मेरा, a₁ का वैल्यू कितना दे रहा है √2, a₂ का वैल्यू कितना दे रहा है √8। अब √8 का फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो, एक का फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे क्या करते हैं एलसीएम प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो कितना
चार, फिर कितना दो। तो चूंकि देख रहे ये क्या है पेयर में, जो पेयर में होता है वो क्या होता है, जैसे एट को हम लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू, तो टू ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी टू के क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दो रूट टू। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते थे दो रूट टू। उसी तरह अब क्या करना है ए थ्री देखते हैं, ए थ्री मेरा कितना है रूट एटीन है, तो फिर से किसका निकालना होगा एटीन का, तो एटीन का देखेंगे तो दो से नौ बार में, अब दो से लगेगा नहीं किस से तीन से, कितना बार में तीन से, तो देख रहे हैं तीन दो बार आया तो तीन बार हो जाएगा और बचेगा क्या रूट टू, तो इसको निकाल सकते हैं तीन रूट टू। अब ए फोर को देखते हैं जो क्या है मेरा थर्टी टू, किसके अंदर रूट के अंदर है, तो थर्टी टू को निकालेंगे किससे टू से, कितना बार में सिक्सटीन बार में, फिर टू से लगाएंगे किससे एट बार में, फिर टू से लगाएंगे फोर बार में, फिर टू से टू बार में, इसके बदले एक दो, इसके बदले एक दो, और एक सिंगल बच गया तो दो दूना चार रूट टू, इसको निकाल सकते हैं फोर रूट टू लिख सकते हैं। अब चूंकि सबका वैल्यू लिख लिए तो क्या करेंगे डी वन निकालेंगे, और डी वन क्या होता है मेरा ए टू माइनस ए वन, ए टू का वैल्यू मेरा कितना है दो रूट टू, और ए वन का वैल्यू क्या है रूट टू, दो रूट टू में से एक रूट टू जाएगा तो क्या बचेगा रूट टू। अब क्या निकालना है डी टू, तो डी टू के लिए हम लोग ए फोर में से ए थ्री को इस बार घटा लेते हैं, ए फोर क्या है मेरा फोर रूट टू, और ये क्या है मेरा थ्री रूट टू, फोर रूट टू में से थ्री रूट टू जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों दो रूट टू। देख रहे हैं चूंकि क्या देख रहे हैं डी वन का वैल्यू किसके बराबर है डी टू के बराबर है, और जब डी वन का वैल्यू डी टू के बराबर होता है तो क्या होता है ये किसमें होता है एपी में होता है। अब हम लोग पहले जानते हैं जब एपी में हो तो क्या निकालना होगा डी, और डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं कितना टू। अब क्या निकालना आगे का तीन टर्म, तो पहला ए फाइव है, ए फाइव निकालने के लिए इससे पहले वाले टर्म में डी जोड़ना, तो पहले वाला टर्म क्या था फोर रूट टू, इसमें डी जोड़ेंगे तो चार रूट टू में एक रूट टू जोड़ेंगे तो क्या होगा फाइव रूट टू, और इसको हम संख्या में लेकिन तो पांच का गुना करेंगे तो क्या होगा पांच गुना पांच पच्चीस, और रूट में तो दो, तो पच्चीस दूना क्या होगा पचास हो जाएगा किसमें रूट में। अब क्या निकालना है ए सिक्स, तो ए सिक्स क्या होगा ए फाइव प्लस डी, ए फाइव का वैल्यू कितना था फाइव रूट टू, और प्लस क्या था डी, डी का वैल्यू रूट टू, तो ये क्या होगा सिक्स रूट टू। तो फिर छ को छ से गुना करेंगे, छ चार के छत्तीस गुना बहत्तर, तो अंदर क्या होगा रूट के अंदर बहत्तर। अब लिखा ए सेवन जो क्या होगा ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स का वैल्यू कितना है सिक्स रूट टू, और डी का वैल्यू रूट टू, तो ये क्या होगा सेवन रूट टू, तो सेवन ये क्या होगा उनचास, उनचास गुना अंठानवे। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए फाइव कितना है मेरा रूट पचास, ए सिक्स क्या था रूट बहत्तर, और ए सेवन क्या है मेरा रूट अंठानवे। अब इसका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल मेरा क्या दे रहा है। तो आगे का तीन सवाल देख रहे हैं जिसमें तेरह नंबर सवाल मेरा दे रहा है रूट थ्री, उसे लिख लेते हैं इस साइड में। तो तेरह नंबर सवाल दे रहा है मेरा रूट थ्री, फिर से रूट वाला सवाल आ गया, ए वन कितना दे रहा है मेरा रूट थ्री, ए टू क्या दे रहा है मेरा रूट सिक्स, ए थ्री क्या दे रहा है मेरा रूट नाइन, रूट नाइन को तोड़ सकते हैं तीन में, इसको नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि जब सिक्स का फैक्टराइजेशन करेंगे तो टू इंटू थ्री होगा, तो नहीं टू का डबल है नहीं थ्री का डबल है, तो उसको हम लोग रूट में ही रहने देते हैं। अब ट्वेल्व देख रहे हैं ए फोर क्या दे रहा है ट्वेल्व, इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग देख सकते हैं जब करेंगे तो टू से क्या होगा सिक्स, फिर टू से क्या होगा थ्री, तो दो दो बार है तो इसको लिख सकते हैं टू रूट थ्री। तो हम लोग डी वन निकालते तो डी वन क्या होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है रूट सिक्स और ए क्या है रूट थ्री, दोनों को घटाएं या जोड़े तो वैल्यू मेरा क्या होगा जो बच्चे और आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं डी टू निकालते तो डी टू क्या होगा ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री मेरा क्या है ए थ्री देख रहे हैं मेरा क्या है रूट थ्री रूट नाइन है जिसका वैल्यू तीन, और ए टू मेरा क्या है रूट सिक्स है, तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, घटाएंगे जोड़ेंगे तो वैल्यू मेरा जिससे प्लस माइनस में उसी तरह उड़ा जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि डी वन नॉट इक्वल डी टू देयर फोर दीज आर नॉट इन एपी, और जब एपी में नहीं है तो नहीं इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नहीं इसका आगे का तीन टर्म निकालने की जरूरत है। तो तेरह नंबर सवाल मेरा क्या हो गया आसानी से बन गया। चौदह नंबर सवाल देख रहे हैं जो पावर के रूप में ये क्या है वन का स्क्वायर, ये क्या है थ्री का स्क्वायर, ये क्या है फाइव का स्क्वायर, ये क्या है सात का स्क्वायर।
तो देख रहे हैं मेरा ए वन, इसको हम लोग पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर को तोड़ लेते हैं। वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, यानी वन को दो बार गुना करेंगे तो वन ही आएगा। थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन। फाइव का स्क्वायर क्या होगा, 25। और सेवन का स्क्वायर 49। तो यहाँ देख रहे हैं ए वन क्या है मेरा, वन। ए टू क्या है मेरा, नाइन। ए थ्री क्या है मेरा, 25। और ए फोर क्या है मेरा, 49। तो हम लोग पहले डी वन निकालते हैं। डी वन क्या होगा, ए टू माइनस ए वन। और ए टू मेरा क्या है, नाइन। और ए वन क्या है मेरा, वन। दोनों घटाएंगे कितना होगा, एट। हम लोग डी टू निकालते हैं, तो डी टू क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री का वैल्यू कितना है, 25। और इसका वैल्यू 16। और 25 में से 16 जाएगा तो क्या होगा, 9 आएगा। तो देख रहे हैं कि डी वन का वैल्यू बराबर है डी टू का, नहीं है, क्योंकि डी वन कितना आ रहा था, 8। और डी टू कितना आ रहा है, 9। और जब वैल्यू बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं डी निकालना है और नहीं इसके आगे का तीन टर्म निकालने की जरूरत है। अब एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं। तो इसका लास्ट सवाल देखने क्या दे रहा है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देख रहे हैं इसको, स्क्वायर को तोड़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो मेरा ए वन क्या है मेरा, 1। ए टू क्या है मेरा, 25। ए थ्री क्या है मेरा, 49। और ए फोर क्या है मेरा, 73। तो चूंकि एपी में है ये नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो बार डी निकालेंगे। तो डी वन निकालते हैं, क्या होगा, ए टू माइनस ए वन होगा। ए टू का वैल्यू मेरा क्या है, 25। कितना है, 25। और ए वन का वैल्यू क्या है, 1। दोनों घटाएं कितना होगा, 24। अब हम लोग क्या करते हैं, डी टू निकालते हैं। तो डी टू क्या ले लेते हैं, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री क्या है मेरा, 49। और ए टू क्या है मेरा, 25। और जब 49 में से 25 को घटाएंगे तो क्या होगा, 24 होगा। तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, डी वन क्या है, डी टू के क्या है, बराबर है। और जब डी वन डी टू के बराबर होते क्या हो, दोनों वैल्यू जब बराबर हो गया तो क्या होगा, एपी में होगा। और हम जानते हैं जब कोई भी चीज एपी में होता है तो उसे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और आगे ये क्या करना है, तीन टर्म को निकालना। तो हम लोग इधर देखते हैं इसको, तो डी देख रहे हैं मेरा कितना आया है, 24 आया। अब ए फाइव निकालते हैं, ए फाइव क्या होगा, ए फोर प्लस डी। ए फोर कितना है, 73। इसमें कितना जोड़ना होगा, 24, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है, 24। तो 4 और 3 क्या होगा, 7। और 7 और 2 क्या होगा, 9। अब क्या निकालेंगे, ए सिक्स। ए सिक्स क्या होगा, ए फाइव प्लस डी। ए फाइव 97 और ये क्या होगा, 24। और 97 में 4 जोड़ेंगे तो 101, और उसमें 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 121। अब क्या निकालेंगे, ए सेवन, जो क्या होगा, ए सिक्स प्लस डी, यानी 121 में क्या जोड़ना है हमको, 24 जोड़ना। और जब 41 क्या होगा, 5। 22 क्या होगा, 4। और 1 तो यहाँ देख रहे हैं मेरा क्या हो गया, ए फाइव आ रहा है 97, ए सिक्स आ रहा है 121, और ए सेवन आ रहा है कितना, 151। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो था मेरा कौन 5.1, ये हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से करेंगे। जब एनसीईआरटी का 5.1, 5.2, 5.3 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल को देखेंगे, उसमें भी हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे। जो क्लास तो लंबा जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका पूरा कंसेप्ट को गेन करना है। साथ ही साथ हम लोग अब जो देखेंगे इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये कि ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी, ये कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग जितना देख रहे थे उसमें हम लोग क्या होता था, मात्र चार टर्म लिखना जानते थे। कभी कभी क्या होता ना कि बोल देगा क्या एपी इसका 25वां टर्म याद करें, तो उस कंडीशन में क्या होता ना, हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और कभी कभी क्या होता ना कि बोलता है लास्ट से 10 टर्म निकालना है, लास्ट से 15वां टर्म निकालना है, तो इस कंडीशन में कुछ फॉर्मूला होता है। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि उस फॉर्मूला को कैसे बनता है और उस फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।